वो सामने है डोलेश्वर महादेव मंदिर और इधर रामेश्वर महादेव मंदिर और पीछे की तरफ माता जी दिखावा नहीं आता है, ठीक है, कोई शौक नहीं दिखाने। तो यहाँ पे इस यहाँ पे आके चाय पीता हूँ, ठीक है। 19 साल का हूँ और तो भी मैं ना झाड़ू खाता। गुड मॉर्निंग गाइस, ब्लॉग होगा अपने घर पे। बाहर का एक बार कुछ मौसम आप चेक कर सकते हो, अभी तो 7 बजी है, ठीक है। एंड अभी उठ के अभी कुछ नहीं, बस स्टार्ट ही किया है ब्लॉग। एंड वो वाला जो भाई नींबू का पेड़ है उसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। एंड ये कछुआ भाई इधर, बट अभी जो भी होगा पहले अपन चलते हैं चाय बनानी भाई। सुबह उठा है, उठा हो सुबह सुबह तो भी फटाफट लग के अभी चलते हैं चाय बनाता खुद और देखते हैं कैसे क्या बनती है। बस सुबह चाय तो खत्म हो चुकी है एंड एक नंबर चाय बनी थी सुबह सुबह की भाई, मस्त मजा आता था। एंड भाई जब से ये हमने ये वाला घर लिया ना भाई, तो यहाँ पे इस यहाँ पे आके चाय पीता हूँ, क्योंकि ये वाला देख सकते हो भाई, ये वाला व्यू बहुत मस्त पसंद है। एंड यहाँ पे जो वॉइस आती है ना, कबूतरों हो गए, मिट्टू हो गए, मोर हो गए, उनकी जो आवाज़ आती है ना कोयल की, आहा बहुत प्यारी आवाज़ आती है उस हिसाब से। एंड ले चलते इसे अंदर, तो लेट्स गो। अपने हिसाब से बात करूँ जैसे ना कि हिंदी करूँगा ना, ठीक है, तो ना मेवाड़ी, मैं अपने हिसाब से जैसे बात करता हूँ मेवाड़ी वैसे करूँगा, क्योंकि भाई दिखावा नहीं आता है, ठीक है, कोई शौक नहीं दिखाने का। बस मतलब जैसे भाई अपनी लाइफ स्टाइल है ना, जैसे बोलता हूँ लाइफ स्टाइल ब्लॉग, उसी तरीके से लाइफ स्टाइल मतलब जैसे मैं मतलब हूँ वैसे ही बताऊँगा, ठीक है। जो भी होगा अभी देखते हैं कैसा सीन बनता है, देखना आगे का पूरा ब्लॉग, बहुत मज़ा आएगा। अभी चलते हैं ऊपर और वो नींबू वाला सीन भी बताऊंगा पूरा क्या है, लेकिन वो बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। यहाँ का जो व्यू आता है एंड वो सामने है डोलेश्वर महादेव मंदिर और इधर रामेश्वर महादेव मंदिर और पीछे की तरफ माता जी अम्बा अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, बीचों बीच में घर है, बट चलते हैं। सो बस ये वाला ले गए हैं अपन ने, ठीक है, ये वाला सामने कहाँ से अभी चलते हैं फटाफट ऊपर जो भी है। कई इनका आई प्रभु कदरो फड़फड़ वीरो।
सुप्रान तो भाई इतना मतलब वो कर रखा है खराब, एंड वहाँ पे भी मतलब अभी वो नीचे से मतलब बोल सकते अपन लकड़ियाँ है उनको भी ऊपर नीचे से ऊपर खींचना है। एंड जो ये वाला सीन बन रहा है ना ये सारा मतलब खराब कर, जो नींबू था ना उसके वो जो साइड साइड में लगा वो उसके मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो है ये। एंड अभी इधर वो पड़े हैं टिन के वो भी सही करना है। एंड गाइस अभी कुछ काम स्टार्ट नहीं किया उससे पहले पसीना चेक कर सकते हो। एंड मम्मी जो वो है वो अपने वो रेलिंग साफ करी, ये सारा साफ करना है हमें। एंड नीचे जो भी था एक सेकेंड जो भी ये नीचे रखा हुआ ये जो भी ये बड़े बड़े ये सारे ऊपर है ना काट के नीचे ऊपर लाने हैं फिर यहाँ पे जमाना है उनको। ये भी बहुत मतलब हार्ड वर्क होने वाला आज का बहुत ज़्यादा। एंड फिर मम्मी से थोड़ी बात करते हैं फिर क्या जैसे आई थिंक मुझे बताया यही करना है, बट उनसे और पूछूंगा क्या करना है मम्मी। एंड भाई वो टिटोड़ी भाई आप देख सकते हो भाई वहाँ पे वो देख सकते हो मोर कहाँ गया भाई वो देखो ये यहाँ पे इसके बीच में मोर है। एंड गाइस ये जो सारे खेत देख सकते हो भाई पहले तो हरे भरे हुआ करते थे बट अभी ना गेहूँ जो कटाई हो गई इनकी तो सारे सूखे पड़े बट जैसे मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। इनसे गाइस फाइनली मतलब यहाँ पे जो कचरा वगैरह था एंड वो सारा सही कर चुके हैं ठीक है। एंड वो सारा यहाँ पे एकदम रख दिया। एंड जो भी वो नीचे थे उनको थोड़ा बहुत वहाँ पे काट के वो देख सकते हो ये काट के ये भी सही कर लिया। अब वो जैसे ये रस्सी लगा रखी देख सकते हो भाई ये वाली रस्सी पूरी ये रस्सी ठेठ नीचे तक जारी और इसके ज़रिए वो जो सारे नीचे वाले बड़े बड़े हैं उनको खींच के फिर से मतलब यहाँ पे जमाना है। एंड ये काम भी बहुत मुश्किल होने वाला है, लगभग एक घंटा तो लगेगा आई थिंक शायद एक घंटा तो करते हैं एंड बाद में मिलते हैं आप। एंड सो गाइस आपने देखा पहले मतलब ये कितना कम था यहाँ पे एंड अभी यहाँ पे इतना सारा मतलब कर दिया है मतलब वो लकड़ी वगैरह जमा दी है। एंड अभी पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चलता हूँ नीचे पानी वानी पीते फिर नीचे चलते और भी करना है वैसे एंड फिर देखते खाना आना। ये है हमारी चिंकी यहाँ कुछ खाती है फिर अभी खाना खा रही है चिंकी। इसका नाम है सोनल एंड जो वो ऊपर मैं बोल रहा था ना अपने बांस वाला तो इस तरीके से भाई ये बना दिया